तो हेलो गाइस, तो गाइस 7 दिन के बाद आज फिर से लौट चुका हूँ चैनल पे। और अपने चैनल को जो है स्ट्राइक आ चुकी थी और 7 दिन बाद जो इस पे वीडियो अपलोड होनी थी। और स्ट्राइक आने का रीज़न क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यार, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चैनल पे स्ट्राइक आने का रीज़न क्या था। तो चैनल पे स्ट्राइक आने का रीज़न था शॉर्टकट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शॉर्टकट क्यों बोल रहा हूँ और शॉर्टकट क्या था जिससे स्ट्राइक आई। तो गाइस यार, शॉर्टकट ये था कि जो, जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल जो यूट्यूब पे जो लोग वीडियो बनाते हैं, वो यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें जो कहीं से भी शॉर्ट्स उठा के या कहीं से भी किसी भी चैनल से उठा के या कहीं वो अपने चैनल पर डाल देते हैं, और इससे जो है उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं और व्यू भी आते हैं चैनल पे। तो ऐसा ही कुछ मैंने भी किया। मैंने भी एक जो शॉर्ट्स है वो उठाया और अपने चैनल पे डाल दिया। मैंने कभी भी अपने चैनल पे ऐसे शॉर्ट्स नहीं डाल लिया है कि कहीं से भी उठा दिया है, डाल लिया बट मैंने वो अपने ही डाल लिया जो मेरे खुद के है। और मैंने क्या किया कि शॉर्ट्स डाल दिया, और इससे मुझे थोड़ी हुई भी, मुझे सब्सक्राइबर भी आए थोड़े और उस पर व्यू भी आए। उस पर जो आधे घंटे में जो वो है वो 6,000 लोगों ने उसको जो देख लिया। बट उसके बाद जो हुआ, फिर उसके बाद जो अपने चैनल पे स्ट्राइक आ गई और चैनल जो है 7 दिनों के लिए बंद हो गया। तो गाइज यार, इससे मैंने यही चीज़ सीखी है कि जो भी करना है अपनी मेहनत से करो, अपनी जो भी है वो अपने मेहनत से करो, और वीडियो बनाओ अपनी मेहनत से बनाओ। किसी की कोई भी वीडियो उठा के या अपने शॉर्ट्स पे डालने से सब्सक्राइबर और व्यू तो बढ़ जाते हैं बट उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आगे से ये गलती मैं याद रखूँगा। बाकी एक स्ट्राइक अपने चैनल पे आ चुकी है, और अगर 2 स्ट्राइक दोबारा से आई तो चैनल जो है बंद भी हो सकता है। तो गाइज, अब इससे तो मुझे सीख मिल चुकी है, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमें कोई ऐसे फेक शॉर्ट्स डालने की या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना।